वन प्लस 12 का हम लोग गेमिंग बेंचमार्क वीडियो लेके आ गए हैं विद ऑल एम्यूलेटर्स, जितने भी हाई एंड एम्यूलेटर के हाई एंड गेम्स सारे के सारे यहाँ पे हम लोग चलाने वाले हैं। बाकी गाइस ये बेंचमार्क वर्क कैसे करता है, हम लोग अपने मेंबर से परचेज करते हैं, सारे के सारे फुटेज गाइस यहाँ पे रियल है, जितने भी फुटेज है सारे के सारे ओरिजिनल एक्सपोर्टेड है वन प्लस 12 से। मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट भी परसेंट का चांस नहीं है कि ये एम्यूलेटर्स के बेंचमार्क ऊपर नीचे हो जाए, सारे के सारे सोर्स हम लोग के ट्रस्टेड है गाइस। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, कर देना चैनल को सब्सक्राइब। एंड यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 का हम लोग का यहाँ पे प्रोसेसर है, GPU 750 यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है, एंड्रॉइड 14 है ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे। बाकी गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वन प्लस 12 का बेंचमार्क स्कोर है तो है कितना, यहाँ पे आ गया गाइस हम लोग का 12 का 21 लाख का बेंचमार्क। हम लोग को याद है रेड मैजिक 9 का लगभग सेम ही बेंचमार्क स्कोर था, 1-2 लाख का ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर 2 अगर तुम लोग खेलने जाओगे तो अप टू 4x के अप स्केल में तुम लोग यहाँ पे वन प्लस 12 में विद, देखो गाइज ये जो डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुआ है ये हुआ है 16GB रैम वेरिएंट का, और यहाँ पे रैम सेम के अंदर हो गया, यहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग के पास रैम 12GB से ऊपर है तो एम्यूलेटर्स में हम लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 8GB रैम है तो किसी एम्यूलेटर, फॉर एग्जाम्पल हो गया हम लोगों को स्विच के हो गए PC के, तो इनमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब PS2 के गेम हो गए हम लोग का, गेम क्यूब क्या हो गया हम लोग का, सीट्रा के सारे से हम लोग को रैम में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट जितना रैम रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हम लोग के पास ऑलरेडी यहाँ पे है। बाकी 4x के अप स्केल में गॉड ऑफ वॉर 2 आ गया, और शैडो ऑफ कोलेक्सिस यहाँ पे भी 4x के अप स्केल में चल जाएगा। बात करें 5x के अप स्केल में थोड़ा सा जो गेम है हम लोग का लैग मार रहा है। इसके बाद आ गया हम लोग का बैन 10 का, और बैन 10 प्ले स्टेशन 2 में अगर तुम लोग खेलने जाओगे तो यहाँ पे अप स्केल 6x तक तुम लोग इन्जॉय कर सकते हो। बाकी बैन 10 एलियन फोर्स यहाँ पे भी हम लोग 6x के अप स्केल में खेल सकते हैं। बाकी ये जो गेम है बहुत ज़्यादा हाई एंड गेम है, अच्छे खासे PC में हो गया हम लोग का, PC में भी ये स्लो हो जाता है, ये तो फिर भी एंड्रॉयड है यार। इसके बाद आ गया गाइस हम लोग का कुछ कार रेसिंग भी है जो कि हम लोग 8x के अप स्केल में खेल सकते हैं। ये आ गया बियोर्ड्स एंड एविल, ये भी हम लोग 8x के अप स्केल में खेल सकते हैं। 8x का अप स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, छोटा बिल्कुल भी मत सकता, इतना तो होता है कि इसके खुद के स्क्रीन में इतना अप स्केल तुम लोग देख नहीं पाओगे। इसके बाद आ गया मेटल गियर राइजिंग 3 वाला वर्जन है। इसके बाद हम लोगों ने सीट्रा एम्यूलेटर यहाँ पे प्ले किया है, अप स्केल अप टू 4x के अप स्केल, मतलब कि जितना भी एंटी अलाइजिंग इस वाले गेम में सपोर्ट करता है, एम्यूलेटर में सपोर्ट करता है, सारे के सारे हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी डॉल्फिन का अगर बात करें तो एम्यूलेटर भी हम लोग का हाई एंड है। गेम यहाँ पे रन हो रहा है इस वाले गेम का नाम है मारियो गैलेक्सी 2, और मारियो गैलेक्सी 2 इज़ द वन ऑफ द हाई एंड गेम ऑन डॉल्फिन राइट ना। उसके बाद आ गया गाइस हम लोग का कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर, ये 3 वाला है अप स्केल, 6x के अप स्केल में हम लोग खेल सकते हैं। बाकी प्ले स्टेशन वीटा एम्यूलेटर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अप स्केल 8x का है, यहाँ पे जो तुम लोग फ्रेम्स डाउन देख रहे हो ना ये 8x का अप स्केल है विद लॉट्स ऑफ मेजर क्रैशेज गाइस। हाँ यहाँ पे वीटा एम्यूलेटर पता नहीं क्यों लेकिन क्रैश के साथ हम लोग को ये एम्यूलेटर देखने मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग ड्राइवर जो मैं बताऊंगा उसको रिकमेंड करूंगा ऐड करोगे फिर भी ये गेम जो है हम लोग का प्लेबल हो जाएगा ऑन वीटा 3 के में। बाकी आ गया आप स्केल 8x, यहाँ पे हम लोग को 44 एवरेज मिल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, और अप स्केल 8x से ज़्यादा हम लोग नहीं जा सकते। इस वाले एम्यूलेटर का लास्ट पावर इतना ही है जो कि हम लोग को बढ़िया मिल रहा है। अब तो 7x में तुम लोग 60fps गेम प्ले कर पाओगे। बाकी आगे हम लोग का PPSS PP एम्यूलेटर, या तो ये जो एम्यूलेटर हम लोग का लो एंड डिवाइस में भी चल जाता है, फिर भी 4 PPSS PP के जो हम लोग के ऑडियंस होते हैं फ़ैन होते हैं उन सबके लिए मैंने यहाँ पे इसको भी ऐड किया है। अप स्केल 10x के अप स्केल में यहाँ पे हम लोग गॉड ऑफ वॉर घोस्ट ऑफ स्पार्टा हो गया, चेन ऑफ ओलंपस हो गया, या PPSS PP के अधिकतर गेम्स यहाँ पे 8x के अप स्केल में वर्क कर रहा है बढ़िया FPS विदाउट सेटिंग्स के साथ। हाँ विदाउट सेटिंग मतलब हो गया हम लोग का डिफॉल्ट सेटिंग के साथ हम लोग यहाँ पे अधिकतर के अधिकतर PPSS PP के गेम खेल सकते हैं। बाकी गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक, ऐसे ही कूल वीडियोज़ के लिए मैंने ऑलरेडी 50 से ऊपर ऐसे वीडियोज़ बनाए हैं बेंचमार्क सेम स्टाइल में, अपने चैनल में अवेलेबल मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हो। ऐसे अधिकतर हम लोग के गेम्स रन करेंगे, बेंचमार्क कंपैरिजन करना हो तो वहीं से कर देना। बाकी गाइस आ गया यहाँ पे निंटेंडो स्विच का यूज़ ऑन एंड्रॉइड एम्यूलेटर, ये हम लोग का कैसा चल रहा है गाइस, ये आ गया द विचर 3 ऑन द लेटेस्ट ड्राइवर स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 में। एज यू कैन सी तुम लोग 30 out of 30 FPS दे सकते हो। अप स्केल गाइस यहाँ पे थोड़ा सा लो है लेकिन भाई 0.5x के अप स्केल में भी तुम लोग को लगभग क्लियरिटी बढ़िया देखने मिल ही जाएगा, गेम जो है ऐसा तुम लोग का दिख रहा है ये भी बढ़िया है।
30 FPS एक्सीड करने के लिए इतना करना है। 1x के अपस्केल में हम लोगों का लगभग वही है, 20 से 25 FPS यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी आगे गाइस इसके नेक्स्ट गेम में फ्राइडे द 13th, वैसे ये वाला जो गेम है ऑलरेडी तुम लोग के एंड्रॉयड डिवाइस में अगर 8th Gen का कोई भी CPU तुम लोग प्ले कर सकते हो, बाकी 8th Gen 3 में ये ऑलरेडी 30 out of 30 FPS देखने मिल जाएगा। कभी कभार जो गेम है क्रैश भी हो रहा है, तो इससे एक्सपेक्ट मत करना कि भाई ये जो एम्युलेटर है क्रैश क्यों होता है, सेव क्यों नहीं हुआ, ठीक है। इतना जो माइनर ग्लिच है इसको इग्नोर मार के चलना। बाकी आ गया हम लोग का पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू, ये गेम हम लोग वैसे तो 4x के अप स्केल में भी खेल सकते हैं, लेकिन 3x के अप स्केल में विदाउट हीटिंग दिस डिवाइस इजीली ये वाला गेम चल जा रहा है। बाकी आ गया गाइस हम लोग का डूम एटर्नल बोल सकते हो, डूम 2016 वाला वर्जन स्विच का बोल सकते हो, ये हम लोग 1x के अप स्केल में 30 out of 30 FPS। बाकी गाइस ऐसे ही बेंचमार्क वीडियोस तुम लोग को अपने डिवाइस के लिए भी सबमिट करवाना है तो तुम लोग मेरे को कॉन्टैक्ट करके करवा सकते हो, और वहाँ पे तुम लोग पेड भी किए जाओगे। बाकी गाइस आ गया यहाँ पे ऑन विन लेटर मेडल ऑफ ऑनर वॉर फाइट, और ये 2012 का गेम है। ये गेम हम लोग का बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा है, देखो 30 से लेकर 40 FPS के बीच में देखने मिल रहा है। बाकी ये जो गेम है हाई एंड का गेम है, वो 64 लेटेस्ट वर्जन के साथ हम लोग चाहिए तो यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे एक वार्निंग था, विन लेटर यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है, बता दिया। स्नैपड्रैगन 8th Gen 3 में विन लेटर में फिलहाल के लिए सपोर्टेड नहीं है, वैसे वहाँ पे था ऑप्शन लेकिन काम करता नहीं। बाकी गाइस अगर तुम लोग भी ऐसे ही बेंचमार्क वीडियो सबमिट करवाना चाहते हो तो करवा देना, और उस सब वीडियोज़ के लिए तुम लोग को पेड भी किया जाएगा। तो हैव अ नाइस डे, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कूल वीडियो अपने चैनल में लाते रहता हूँ। बाय बाय, टाटा सी यू।